हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता आनंद दुबे जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी सपा प्रवक्ता और विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और अनुराग जी आपको तो सलाम, क्योंकि आप काम अच्छा कर रहे हैं, इससे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में। बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, कहीं पर राशन की दुकान से ये खबरें आ गई कि राशन वाला कह रहा है कि पहले तिरंगा लो फिर राशन देंगे। बहुत सारे गांव में तिरंगे पहुंच गए, कोई बांटने को तैयार नहीं। आप लोग आरोप लगा ही रहे हैं कि जो भाजपा दफ्तर में तिरंगे बेचे जा रहे हैं, तिरंगा बेचने की दुकान चल रही है, लेकिन आप तिरंगा बांट रहे हैं और ये बहुत अच्छी तस्वीरों हम दिखा भी रहे हैं। ये बताइए कि ये एक तस्वीर आपकी है और एक विरोधाभासी तस्वीर आ गई नरसिंहानंद की, क्या संदेश आपका है और उधर से क्या संदेश जा रहा है? देखिए, ये हिंदुस्तान में सरकार नाम की भी कोई चीज होती है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्र के अंदर कोई व्यक्ति राष्ट्र से ऊपर नहीं है, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, वो व्यक्ति कभी भी राष्ट्र का अपमान, तिरंगे का अपमान मतलब राष्ट्र का अपमान, और राष्ट्र का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो राष्ट्र के तिरंगे का अपमानजनक बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे आपसी किसी के मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात हो तब तो आपको कम से कम ऐसी बातों से तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो लोग ऐसी बातें करते हैं, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार इस चीज को नजरअंदाज ना करे, क्योंकि हिंदुस्तान में जो तिरंगा है हमारी आन बान शान है, ये हिंदुस्तान की पहचान है, इसी पे तो हमें गुरूर है, इसी पे हमें नाज है। तिरंगा हमें जो सबको एक दूसरे में बांध के रखता है, तिरंगा का मतलब यही है भाईचारा, तिरंगा का मतलब एक दूसरे को बांध के रखना, तिरंगा का मतलब है लोकतंत्र और को बचाना। आप तिरंगे का ही अपमान करेंगे, इसके मतलब राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। अब ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है जी, क्योंकि हम तो आप बात कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन रही है, और सरकार को ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए बिना सोचे समझे। क्योंकि हम लोग जब राष्ट्र की बात होती है तो सब एक साथ खड़े नजर आते हैं जी। आखिर ये कुछ लोग कौन है जो राष्ट्र के अंदर में नफरत की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, इस पर संज्ञान तो लेना होगा। आनंद दुबे जी, अगर कोई ये कहता है कि हर घर पे आप भगवा लहराइए, हिंदू के घर पर भगवा होना चाहिए, तो उसको कहने में भी दिक्कत नहीं है और कोई भगवा लहरा ले तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह दीजिए कि आप तिरंगे का बहिष्कार कर दीजिए, फिर तो ये मामला संज्ञान लेने वाला हो जाता है, क्योंकि तिरंगा तो अब कश्मीर में भी फहरा रहा है और डंके की चोट पर फहरा रहा है, शान के साथ फहरा रहा है, संज्ञान ले रहे हैं, मामला दर्ज होगा क्या, इस पर कार्रवाई होगी कुछ? नहीं, निश्चित रूप से जो ये बयान है वो निंदनीय है और सरकार निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेगी। अभी मुझे नहीं पता है कि इस मामले में क्या कार्रवाई है हुई है या क्या की गई है, लेकिन निश्चित रूप से मैं पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते भी और देश का नागरिक होने के नाते भी ऐसे किसी भी बयान की बड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आप देखिए, आप अपने धार्मिक, आपको स्वतंत्रता है, आप अपने घर पे भगवान लहराइए, आप अपने घर पे हरा रंग लहराइए, आप अपना मंदिर सफेद रंग लहराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तिरंगे को लेकर किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणी, किसी भी तरह की जो अमर्यादित भाषा है उसको स्वीकार नहीं की जाएगी, नहीं हमारी केंद्र सरकार स्वीकार करेगी, नहीं हमारी राज्य सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में चली उसको स्वीकार करने वाला। ठीक है, और दूसरा जो आरोप आया है वो ये आया है कि जो भाजपा के दफ्तर है तिरंगा बेचने की दुकानें बन गई हैं। आप लोग भी तो बांट सकते हैं अनुराग जी की तरह, जैसे अनुराग जी घर घर बांट रहे तिरंगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह तिरंगा बांट रहे हैं, हमने अपने कार्यालयों में भी व्यवस्था की है कि वहां से भी जिसको तिरंगा लेना वहां पे लेके जा सकते हैं। देखिए, आरोप लगाना, अब तो अनुराग भदौरिया जी को ये भी बताना चाहिए कि अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि तिरंगा यात्रा के बहाने सरकार दंगा कराना चाहती है। शफीकुर रहमान भट्ट ने क्या कहा कि संविधान में कहीं जरूरी नहीं है कि तिरंगा लहराया जाए, दरगाह तिरंगा लहराना संविधान में जरूरी नहीं है। तो इस तरह के बयानों पर भी अनुराग जी को सफाई देनी चाहिए कि इनकी पार्टी आखिर इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। और मैं तो एक चीज साफ कहता हूँ कि जिनके दिमाग में है दंगा उन्हीं को परेशान कर रहा है तिरंगा। ठीक है, इस पर हम जवाब लेंगे डॉक्टर अनुराग जी का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।